दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। मेरा नाम आदर्श रामन है और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप लोगों की मदद इंडियन टी20 लीग के गेम नंबर 33 का जो खेला जाएगा बेंगलुरु और राजस्थान के बीच में दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और इस मैच की 11 विकेट्स की फैंटेसी टीम बनाने में मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं। और 11 विकेट्स की फैंटेसी टीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 11 विकेट्स का ऐप। नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे पैसे बहुत सारे पॉइंट्स जीतने के लिए। लास्ट पर नॉट लीस्ट, अगर आप लोगों को रियल टाइम लाइव फैंटेसी अपडेट्स चाहिए तो फिर क्रिक ट्रैकर की टेलीग्राम पेज को एक बार जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बगैर वक्त जाया करें शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बल्लेबाजों का बौछार है इन दोनों टीमों को मिलाकर, तो फिर ये फैंटेसी टीम में बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज देखने को मिलेंगे, हमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिला देंगे। शुरुआत करते हैं टीम बनाने को विद विकेट कीपर्स। मेरे सबसे पहले विकेट कीपर हैं जॉस बटलर, जो मेरे इस टीम के कप्तान भी हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं ऑफ लेट, पहले एक दो गेम उनका अच्छा था नहीं शुरुआत, बट द लास्ट गेम ऑल्सो ही गॉट ऑफ टू अ फ्लाई एट 22 of 9, 168 runs इन दिस सीजन सो फार, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एक बड़ा नॉक उनका बाकी है, बहुत जल्द आ जाएगा। इनको भरोसा करके आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिलाएंगे। अगले खिलाड़ी हैं, मेरे अगले कीपर हैं संजू सैमसन। अगर इनकी बात करेंगे तो ही इज स्मैश्ड 18 sixes इन दिस एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, और यू नो ही जस्ट स्कोर 227 runs। इनका भी एक बहुत बड़ा नॉक अभी बाकी है, एंड वी वेरी श्योर दैट ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस वन सच नॉक। तो इनको भी आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इस टीम के बल्लेबाजों के बारे में। सबसे पहले बल्लेबाज का नाम है एबी डिविलियर्स, जो मेरे इस टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं सीजन में, ओवर 200 odd runs ही स्कोर्ड, इज बिन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। 13 छक्के भी लगा चुके हैं, 230 runs इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज, एंड ही इज बिन अ लेजेंड ऑफ द गेम। तो इनको आप टीम में ले लीजिए, इनके बगैर कोई भी फैंटेसी टीम मत बनाए, स्पेशली टी20 क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बल्लेबाज के बारे में, जिनका नाम है एरॉन फिंच। अगर इनकी बात करेंगे तो फिर 191 runs ही स्कोर्ड इन दिस सीजन, कहीं ना कहीं छोटे मोटे कंट्रीब्यूशंस करते रहते हैं। गोज ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, वही आपको चाहिए होगी ओपनिंग बैट्समैन से। इनको आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिलाएंगे। अगले बल्लेबाज हैं इनके साथ ही फिंच के साथ ओपन करने वाले देवदत्त पडिक्कल, युवा खिलाड़ी हैं। 261 runs ही स्कोर्ड इन दिस सीजन, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ले लीजिए इनको टीम में, बहुत सारे पॉइंट्स दिलाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विराट कोहली की तो बात करनी पड़ेगी, 304 रन बना चुके हैं इस सीजन में अब तक, इज बिन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इनका स्ट्राइक रेट, इनका एवरेज सब एकदम ऊपर ही ऊपर है, पहले 3 innings में न खेलने के बावजूद। इनको भी आप टीम में ले लीजिए, लेना ही पड़ेगा। विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट the all-rounders of our team. हमारे पहले all-rounder हैं क्रिस मॉरिस। इनकी बात करेंगे तो फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, इकोनॉमी 4.8 की रही है, 5 विकेट ले चुके हैं 3 मैच में। सिर्फ गेंद के साथ नहीं, बल्ले के साथ भी बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। the only chance that he got to bat 25 of 8, he scored smashed 3 sixes, लीग में ले लीजिए, बहुत कंट्रीब्यूट कर देंगे, बहुत सारे पॉइंट्स और पैसे आपको जिता कर दे देंगे। हमारे अगले ऑलराउंडर हैं राहुल तेवाटिया, सीजन के नए फाइंड हैं, राजस्थान के फिनिशर का रूप धारण कर रहे हैं। 203 runs ही स्कोर्ड, 15 sixes ही स्मैश, ही आल्सो पिक्ड अप अ फ्यू विकेट्स विद द बॉल इन हैंड। इनको आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बहुत सारे पैसे भी जीतने को मिल जाएंगे। आखिर में हम बात करेंगे हमारे इस टीम के गेंदबाजों के बारे में। सबसे पहले गेंदबाज का नाम है इशरू उदाना, 7 विकेट ले चुके हैं सीजन में, बल्ले के साथ भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर लेंगे। इनके स्लोअर बॉल्स अब सेकंड हाफ द टूर्नामेंट में खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको ये दिलाते रहेंगे। अगला हम बात करेंगे जॉफ्रा आर्चर के बारे में, 12 विकेट ले चुके हैं सीजन में, 3 for 19 इन द लास्ट गेम, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। इनको भी आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिलाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, युजवेंद्र चहल की बात करनी ही पड़ेगी, 11 विकेट ले चुके हैं सीजन में, एज ए लेग स्पिनर बगैर डरे गेंदबाजी करते हैं। टी20 क्रिकेट में लेग स्पिनर्स का क्या रोल होता है ये सब हम जानते हैं, तो इनको भी आप टीम में ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिला देंगे। तो दोस्तों ये बन जाती है 11 विकेट्स की टीम, और 11 विकेट्स की खास बात ये है कि वो आपको एक 12th मैन चूज करने का ऑप्शन दे देते हैं। मेरे इस टीम के 12th मैन बन जाएंगे श्रेयस गोपाल, जो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और बैंगलोर इन जनरल पे बहुत हावी पड़े हैं, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो वो आप सोच समझ कर डिसीजन ले लीजिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस आपके हाथ में बहुत हैं, विराट कोहली, क्रिस मॉरिस और जॉफ्रा आर्चर के रूप में। तो ये बन जाती है दोस्तों मेरी पूरी 11 विकेट्स की फैंटेसी टीम। उम्मीद करता हूं कि टीम आपको अच्छी लगती है, गेंदबाजों, बल्लेबाजों, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स, सब एकदम ताबड़तोड़ एक के ऊपर एक खिलाड़ी। स्पेशली वो बल्लेबाजों की लाइनअप आप देखेंगे तो फिर बटलर हैं वहां पे एज ए कीपर, बैट्समैन सैमसन है, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ऑलराउंडर्स भी कुछ कम नहीं है एकदम, क्रिस मॉरिस के रूप में, राहुल तेवाटिया के रूप में, गेंदबाज में आपके जॉफ्रा आर्चर, ये सब आपको पॉइंट्स दिलाने वाले खिलाड़ी हैं, पिछले मैचेस में बहुत परफॉर्म करके आ चुके हैं। तो दैट इज वाई दिस फैंटेसी टीम। उम्मीद करता हूं कि टीम आपको अच्छी लगती है, बहुत सारे पैसे और पॉइंट्स आप जीते, और
और उसके लिए आपको 11 विकेट्स की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों आप बता दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में मुझे आपकी फैंटेसी टीम क्या है ये भी बता दीजिए, और अगर अब तक किया नहीं है तो फिर क्रिकेट ट्रैकर के पेज को एक बार फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं बहुत जल्द मुलाकात करूंगा आप लोगों से ऐसे ही वीडियोज़ के साथ।